मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ हज़ारा विमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी हिना खान साहिबा। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगी शजरकारी के हवाले से, और क्योंकि आज बाकायदा आगाज़ हुआ है शजरकारी के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला खान न्याजी साहब की जानब से, इन पर इनके क्या ख्याल हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी मैडम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, थैंक यू सो मच मुझे जिन्होंने इनवाइट किया है अजीम साहब ने, और मैं थैंक्स कहती हूँ उनको। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है शजरकारी के हिसाब से। देखिए, खान साहब का एक प्लान था जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इस पे एक प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हरिपुर के अंदर भी ये प्रोग्राम हुआ है, हज़ारा पूरी डिवीज़न के अंदर प्रोग्राम्स हो रहे हैं शजरकारी का। और मैं यही मैसेज दूंगी कि अपना मुल्क, अपनी ज़मीन, अपनी धरती सब कुछ है, और हम सबको मिल के यहाँ पे पौधे लगाने चाहिए अपने माहौल को। यहाँ से ये जो पौधे हम लगाएंगे या कोई भी ऐसा इवेंट्स होंगे, तो इससे ये कि हमारे माहौल के अंदर एक सिस्टम अच्छा होगा, खूबसूरती बढ़ेगी। तो हम सबको मिलके ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने भी चाहिए, और खान साहब के इस प्लान को कामयाब करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैडम। आपका ज़ारा से तलक है, और कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल पेशावर BIT का इफ्तिताह करने जा रहे हैं पेशावर में, क्या मैसेज देंगे अपने देखने वाले उन नाज़रीन को कि BIT जिस पर बहुत तनकीद हो रही थी और ख़ासतौर अपोजिशन बड़ा तनकीद का निशाना बना रही थी कि ये मनसूबा इतने साल हो गए, प्रेस खटक के दौर से ये शुरू हुआ था और आज जाकर मुकम्मल हुआ है, इस पर आप क्या मैसेज देंगी अपने चाहने वालों को, अपने नाज़रीन को क्या कहेंगे? देखिए, जिस चीज़ का टाइम मुकर्रर है वो उसी टाइम पे कंप्लीट होगा, ठीक है। और जैसा कि सिस्टम में पहले तो ओपोजिशन जो है वो सिर्फ बातें कर सकती है, काम तो ना उन्होंने कभी किए हैं ना वो करेंगे। करप्शन करना उनका जो है पेशा है, वो करप्शन ही करते आए हैं। और जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है, खान साहब एक ऐसी पार्टी के लीडर हैं, और खान साहब का हमेशा से विजन रहा है जो करप्ट लोग होंगे, जो करप्शन करते होंगे, उनको उन्होंने हमेशा साइड किया, चाहे वो अपनी पार्टी से हों या किसी भी पार्टी के हों, वो किसी भी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और खान साहब का जो विजन है वो करप्शन के ख़िलाफ़ है, और जो ये मंसूबा है इंशाल्लाह ताला जिसका इफ्तिताह खान साहब खुद कर रहे हैं वो ज़रूर सुन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और उस पर यही है कि जो चीज़ भी है वो अपने टाइम पे मुकर्रर होती है, उस पर वर्किंग हो रही है। क्या कहेंगी कि आज वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी नैब ऑफिस में पेश हुए हैं, और कल मरियम नवाज़ ने जो नैब ऑफिस के बाहर जो हल्ला गुल्ला हुआ, उस पर क्या आपका ख्याल हैं, और क्या कहेंगी उस पर, क्या मैसेज देंगी अपने चाहने वालों को या देखने वालों को या हमारे नाज़रीन को? देखिए, एहतसाब जो भी करप्शन करेगा एहतसाब उसका होगा, और ये जो मरियम नवाज़ ने जो कल किया है वो बहुत गलत किया है। मौजूद हैं जॉइंट सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ मलिक मोहम्मद अजीम साहब, आइए इनसे जानते हैं। आज चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला खान न्याजी ने इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, क्या कहेंगे और क्या इनके जज्बात हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में शजरकारी की जो मुहिम चलाई हुई है इस पर ये क्या कहेंगे? जी सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इवेंट रखा था शजरकारी के हवाले से, आपको पता है हमारे कायद इमरान खान ने ये जब से पहले दिन से जब हमारी KPK में भी हमें गवर्नमेंट मिली तो खान साहब का ये प्लान था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, उसकी वजह हमारा अपना माहौल, ये सदका जारिया भी है और ये हमारे माहौल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से ये कम्पेन स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्पेन आज पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। आज हमने पिंडी डिस्ट्रिक्ट का एक इवेंट किया जिसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र हमारे सैफुल्ला खान न्याजी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, आरफ अब्बासी और पूरी नॉर्थ पंजाब की टीम, और अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी ज़िले से मैक्सिमम 1000 के करीब लोग यहाँ जमा हुए, और हमने ये मैसेज दिया और हमने पौधा भी लगाया। ये कंपेन हमारे इंशाल्लाह जारी सारी रहेगी, और मैं दोस्तों को यही पैगाम देता हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं लगाएं, अपने मुल्क को रोशन करें, रोशन होगा मुल्क तो हमारी जो आने वाली नस्लें वो रोशन होगी। बहुत शुक्रिया।